हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एम्पियर आर मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और इसकी सेटिंग्स कैसे की जा सकती हैं। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से हम इसके कनेक्शंस को समझ लेते हैं कि वायरिंग कैसे करना है इस मीटर का, जो कि बैक साइड पर होगा। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ऑक्सिलरी सप्लाई सबसे लेफ्ट पर लगेगी 220 वोल्ट। उसके बाद दो टर्मिनल्स हैं जो कि जिस पर कोई वोल्टेज नहीं देना, इस पर सिर्फ शॉर्टिंग होगा तार से या ओपन छोड़ा जाएगा, जिसके बेस पर एम्पियर आर और एम्पियर मिनट्स सिलेक्ट होंगे। इसका भी डेमो हम बाद में देख लेंगे कि एम्पियर आर कैसे आता है और एम्पियर मिनट कैसे आता है। ब्रीफ में ये है कि अगर इन दोनों टर्मिनल्स को ओपन छोड़ देंगे तो एम्पियर आर्स पर मीटर चलेगा, और अगर हम इधर जंपर लगा देंगे तो एम्पियर मिनट्स पर चलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट दो टर्मिनल हैं वो हैं जी और ए, एम्पियर और ग्राउंड। इधर शंट के कनेक्शंस लगेंगे। शंट का जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव पर लगेगा और शंट का नेगेटिव टर्मिनल जी पॉइंट पर लगेगा, जिस पर माइनस भी लिखा है। इस एम्पियर आर मीटर में दो रिलेज दी गई हैं, रिले वन रिले टू। इनका भी फंक्शन जब हम अभी आगे डिस्कस करेंगे तो बताया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हम डिस्प्ले पर क्या क्या पैरामीटर्स दे रहे हैं। तो इसमें चार पेजेस हैं, पेजेस जैसे कि इसको हम एक पेज कहते हैं, ये दूसरा पेज हो गया। तो जब भी आप मीटर ऑन करेंगे तो सबसे पहले आपका पेज आएगा ये वाला, जिसके ऊपर आपको पैरामीटर क्या मिलेंगे, एक्चुअल और डोसेज। डोसेज का मतलब आपने जितने एम्पियर आर या मिनट का टाइम फीड किया वैल्यू, और ऊपर अभी कितने एम्पियर आर मिनट रजिस्टर हो चुके हैं। किसी भी टाइम आप बटन दबाकर चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा पैरामीटर चल रहा है। तो जैसे कि एक्चुअल और डोज वाला है। इसके बाद नेक्स्ट पेज जो आएगा आपका, वो आएगा कि प्राइमरी कितना है आपका शंट का। जैसे अगर आपका 3000 का शंट है तो यहाँ आपका 3000 लिखा आएगा, और अभी कितना करंट फ्लो कर रहा है वो यहाँ पर दिखेगा आपको। तो किसी भी आप इसको दबा के देखेंगे तो लिखा भी आएगा एम्पियर और प्राइमरी। इसके बाद एम्पियर आर टोटल का पेज है, और फिर एम्पियर आर मिनट्स का टोटल पेज है। तो टोटल चार पेज हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि दो एलईडीज दी गई हैं। ये एलईडी है कि ये अभी एम्पियर आर्स के ऊपर है, और ये कैसे आएगा, जैसे हमने देखा था कि पीछे ये यहाँ पर एक आपको जम्पर देना, अगर जम्पर नहीं लगा होगा तो एम्पियर आर्स है, और अगर जम्पर लगा हुआ है तो वो एम्पियर मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेटिंग सिर्फ मीटर के ऑन ऑफ पर ही चलेगी। आप अगर रनिंग में जम्पर लगा देंगे तो वो एम्पियर आर का एम्पियर मिनट नहीं बनेगा। जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने ये एक्सटर्नल एक स्विच लगाया हुआ है, इसको अब हम शॉर्ट कर देते हैं पीछे, और अब इसको हम ऑन ऑफ करते हैं एक बार इसको। अब मैंने स्विच दबाया हुआ है, अब देख रहे हैं हम कि ये वाली एलईडी जल गई। इसका मतलब है ये एम्पियर मिनट्स के ऊपर आ गया है। अब मैं अगर इसको छोड़ भी दूंगा तो ये एम्पियर मिनट्स पर ही रहेगा, जब तक कि हम इसको एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन ना कर लें। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वापस एम्पियर में आर्स के ऊपर आ गया। इसके बाद हम इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। सेटिंग्स में जाने के लिए ये वाला बटन यूज किया जाता है, जिसको मेन्यू बटन कहते हैं, और अप डाउन का बटन जो है वो सेटिंग चेंज करने के लिए काम आता है। तो अब जैसे हम गए तो ये सबसे पहले पासवर्ड मांगेगा, इसमें एंटर करने के लिए पासवर्ड है 1000। तो 1000 है, आप अप डाउन से भी कर सकते हैं अगर कोई वैल्यू चेंज करनी है तो, क्योंकि 1000 है तो आप सीधा आगे बढ़ सकते हैं। इसमें दो सेटिंग्स मिलेंगी, ये प्राइमरी है कि शंट का प्राइमरी कितना है आपका। मान लीजिए आपका शंट का प्राइमरी 3000 है, तो आप इसको ब्लिंक करके हर डिजिट के बाद आपको मेन्यू बटन दबाना है। अब जैसे ये
3000 हो गया, डेसिमल को आपको लास्ट में लाना है, वो भी सेम तरीके से जाएगा आगे पीछे। अब ये लास्ट में आ गया, तो ये 3000 की सेटिंग हो गई हमारी, ये बटन दबाएंगे। अब हम आगे डोसेज पर, अब डोसेज आपकी कितनी है, मान लीजिए अगर अभी आप एम्पियर आर्स पर हैं तो ये 100 एम्पियर आर्स की डोसेज है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर है, मान लीजिए आप 1000 करना चाहते हैं डोसेज को, तो ये डोसेज 1000 होगी। इधर भी आप डेसिमल से 100 पॉइंट या 10 पॉइंट जो भी करना है कर सकते हैं, क्योंकि हमने 1000 करनी है तो हम इसको यहीं सेव कर देंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे डोसेज नीचे 1000 आ गई। अब क्या होगा, जैसे ही ये हमारा कंजम्पशन जो एक्चुअल कंजम्पशन है वो 800 के ऊपर जाएगा, 80% ऑफ डोसेज के ऊपर, तो रिले वन ऑन हो जाएगी। ये वाली रिले के एनओ और सी के बीच में कनेक्शन बन जाएगा, और जब ये एक्चुअल कंजम्पशन 1000 के ऊपर चली जाएगी तो ऊपर वाली रिले ऑन हो जाएगी। तो इसमें एडवांटेज क्या है, क्योंकि हमने दो लेवल दिए हुए हैं आपको, तो एक 80% जब डोसेज क्रॉस होगी तो आपको एक ट्रिप सिग्नल मिल सकता है, या आप अलार्म बजाना चाहते हैं कुछ तो वो कर सकते हैं, और 1000 के ऊपर आपको दूसरा रिले का आउटपुट मिल जाएगा। इसके बाद एक और फंक्शन है इसके अंदर कि आप रनिंग में अगर मीटर को रीसेट करना चाहते हैं इसकी डोसेज की वैल्यू को, तो आप इसको 4 तक दबाकर रखेंगे तो ये डोसेज की वैल्यू को रीसेट कर देगा, जैसे आपने देखा हो जाएगी, जैसे कि ये प्रेस आप करके रखिए एक बार इसको, तो एम्पियर आर एम्पियर मिनट दोनों रीसेट हो जाएंगे और वो 0-0 पर आ जाएंगे। और अगर आप सिर्फ मीटर को ऑन ऑफ करना चाहते हैं बटन के उससे, तो आप इसको बस दबाकर छोड़ेंगे तो ये सिर्फ मीटर रीसेट हो जाएगा आपका। तो ये फीचर्स हैं इस एम्पियर आर एम्पियर मिनट मीटर के। थैंक यू।